तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेल रहे हैं पैल वर्ल्ड। तो जैसा कि गाइस, आज हमारा आठवां दिन चल रहा है पैल वर्ल्ड में और ये आठवां एपिसोड है। तो इससे पहली वाली जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने पकड़ा था खतरनाक पैल, तो चल के आप लोगों को दिखाते। और सच में भाई, वो वाला जो पैल है बहुत ज्यादा खतरनाक है। सामने गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा वो पैल और इसका नाम है भाई टॉम बैट। और यार मैंने एक और पैल पकड़ा था, ये वाला यार, ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और ये सब भाई रात वाला पैल है, तो ये सब ज्यादा रात में एक्टिव रहता है। और ये टेलीपोर्ट क्यों हो रहा है, देखा जाए तो यार कुछ ज्यादा ही गुस्सा में लग रहा है। तो चलो, ये एक पैल मैंने पकड़ा था और एक पैल ये रहा मेरा फेवरेट, क्योंकि इसका पावर बहुत ज्यादा है। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था भाई कि टॉम बैट का पावर बहुत ज्यादा होता है और अगर आप इसको अपग्रेड करते हो तो ये खतरनाक बन जाएगा। तो हम लोग इसको अपग्रेड भी करेंगे। और एक पैल था जो मैंने कल पकड़ा था, ये रहा भाई वो मंकी। अगर आप लोग को दिख रहा है, यार ये क्या हो गया, यहाँ से मैंने स्टोन पिक कर लिया, अब मुझे यार इसको फेंकना पड़ेगा। तो गाइज मैंने स्टोन पिक कर लिया, एक सेकंड लगेगा, इसको फटाफट पहले फेंकते और इसको डिस्कार्ड करते। चलो गाइज, यहाँ से मैंने डिस्कार्ड कर दिया और अपना बैग अब हल्का हो चुका है। कहाँ गया वो अपना, वो कहाँ चला गया मंकी, देखा जाए तो ये रहा मंकी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है। यार ये बहुत ज्यादा प्यारा है। और ये पैल मैंने पकड़ा था कल, तो टोटल यार हम लोगों ने तीन पैल पकड़ा था। आज की वीडियो पे हम लोग पकड़ेंगे नाइट विंग को और अपना बेस को भी अपग्रेड करेंगे, तो वीडियो पे बने रहना। बाकी चल के दिखाते हैं अपना बेस का क्या सीन है। तो गाइज यहाँ पे अपना बेस लेवल 7 पे है और आज की वीडियो पे हम लोग यहाँ पे लेवल 8 कम्प्लीट कर देंगे। अब चल के दिखाते हैं कि हम लोग के पास कितना पैल है। तो देखो, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बताते। तो हमारा जो फेवरेट पैल है वो है भाई ये डियर। और अगर अब दूसरा जो फेवरेट का बात किया जाए, जो आज चलेगा मेरे साथ फाइट पे, उसका नाम होगा ये टॉम बैट। तो ये दोनों यार खतरनाक है, मेरा फेवरेट बन चुका है। और अभी तक हम लोग टॉम बैट का एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल देखे नहीं है, तो आज पता चल जाएगा। और तीसरा जो जाने वाला है वो तो पेंगुइन, हमेशा मेरे साथ रहता ही है, तो पेंगुइन को भी ले जाएंगे। बाकी चलो यार, ये सब पैल को आज हम ले जाने वाले हैं फाइट पे। तो चलो गाइस, सब कुछ हो चुका है। और ये वाला स्टैचू का मुझे यूज पता नहीं था, बट हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया कि इससे अपना एनर्जी या फिर समझ लो भाई कि अपना स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तो फटाफट हम अपना अपग्रेड करते और यहाँ पे देखा जाए तो कैप्चर पावर हमारा बढ़ जाएगा। तो चलो गाइस, ये मैंने कर लिया और हो सकता है कि अब हम लोग कोई भी पैल को पकड़ लेंगे जल्दी। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, बेस को अपग्रेड। बट यार मेरा मन कर रहा है कि अभी चले हम लोग सबसे पहले पैल को पकड़ने, क्योंकि मुझे यार और भी खतरनाक खतरनाक पैल चाहिए। तो चलो गाइस, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास पैल स्पेयर कितना है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में देखा जाए तो पैल स्पेयर हमारे पास बिल्कुल नहीं है भाई, तो मुझे लगता है सबसे पहले पैल स्पेयर ही बनाना चाहिए। तो ये रहा, चलो पैल स्पेयर, इसको फटाफट क्राफ्ट करते और जल्दी से बिल्ड करते। 3-4-5 हम लोग बना लेंगे ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। और यार बर्बाद भी तो होता है, इधर उधर फेंक देते हम। तो चलो कोई बात नहीं, 2 बन चुका है और लगे हाथ और भी बना लेते। तो चलो गाइस, लगे हाथ मैंने 3 बना लिया और 2 बना लेते, क्योंकि यार ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, वापस हमें आना पड़ेगा बेस पे। चलो गाइस, 4 हो चुका है। और अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, बाकी अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो गाइस, ये इसको पहले पिक कर लेते। लगे हाथ मैंने 5 बना लिया है और हमारे पास क्रॉसबो होगा। कहाँ किया क्रॉसबो, ये रहा अपना क्रॉसबो। और अब हम बिल्कुल ही तैयार है फाइट करने के लिए, तो फटाफट चलते। और हो सके तो आज भी गाइस रात हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि रात वाला जो फाइट होता है ना गाइस, बहुत खतरनाक होता है। तो यार हम पैदल क्यों जा रहे हैं, हमें तो टेलीपोर्ट करना है। तो चलो फटाफट टेलीपोर्ट होते। और यार अपना बंदा थक जा रहा है, काम करते ना गाइस, थोड़ा खाना भी बना लेते। तो यहाँ पे हम लोग यार देखो, हम लोग या तो बैरी बना सकते हैं या फिर मशरूम को रोस्ट कर सकते हैं। तो चलो मशरूम को फटाफट फ्राई कर देते और ये जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। देखा जाए तो यार चलो मशरूम लेके चलेंगे। तो ऑल डन गाइज, हमने रोस्ट कर लिया। और हमारा इन्वेंट्री देखा जाए तो हमारे पास खाने को बैरी भी है, फ्राई बेरी है और हमारे पास मशरूम भी है। तो चलो गाइज, हमारे पास सब कुछ हो चुका है और जो जो फालतू सामान है वो यार अपना यहाँ पे हम रख के जाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस बिल्कुल नहीं है। और सच बोला जाए तो यहाँ पे भी बिल्कुल स्पेस नहीं है, यार क्या बात है, पूरा चेस्ट यार भरा पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, टेलीपोर्ट होते, ज़्यादा समय नहीं खाएंगे और यहाँ से हम टेलीपोर्ट होते। यार मैंने सारा पैल रखा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते। और यहाँ से हमें करना है टेलीपोर्ट। तो देखो, हम लोग का जो आखिरी बार फाइट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, बट आज हमें चाहिए ये लेवल 11 का
चाइलेट नाम है या चिलेट नाम है, आज इसको पकड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं और रात में यार बड़ा मजा आएगा क्योंकि नया नया पैल देखने को मिलेगा रात वाला, तो वीडियो पे बने रहना। बाकी हम लोग आ चुके हैं इसी जगह पे, कल फाइट हुआ था जब हम लोगों ने टॉम बैट को पकड़ा था। तो चलो गाइस अब यहाँ से निकलते और वो जो लेवल 11 का है उसको पैल को आज पकड़ना है और देखते हैं कि उस पैल को हम लोग हरा पाएंगे या फिर नहीं। तो फाइनली गाइस हम वहां से आगे आ चुके हैं और एक बार मैप पे चेक करते हैं कि वो लोकेशन कहाँ पे है। तो ये रहा अपना मैप और सामने ये लेवल 11 का, तो मुझे लगता है मैं इधर चलना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते, एकदम सही चल रहे और थोड़ा सा इधर चलना होगा। बाकी यार मुझे लगता है थोड़ा घूम के चलना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे माउंटेन आ चुका है तो मुझे लगता है घूम के ही चलना पड़ेगा। और यार अपना बंदा थक चुका है, रात होने से पहले मुझे पैल भी पकड़ना है और मेरा मन था आज यार कि वो नाइट विंग पकड़ना, बट यार नाइट विंग मिलेगा नहीं तो कहाँ से पकड़ेंगे। बट यार लेवल जो 11 वाला है वो रेयर मिलता है और उसे पकड़ने का डिमांड। ओ भाई साहब मिल गया नाइट विंग, सामने देखो भाई। एक सेकेंड रुको, मुझे पैलेस पर मिला और मौका अच्छा भाई, चौका मार देते लगे हाथ। और इसी के साथ भाई ये कैसे मिस हो गया, और कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और लग जा। ओ भाई साहब कितना गंदा एम लगा रहे, क्या हो रहा भाई। लग गया भाई, लग गया उसको, लग गया। और ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, और अपना हिरन को बुला लेते भाई, आजा आजा आजा, देखा जाए तो आजा। चल भाई डियर मार उसको, चलो देखते डियर क्या करता, थोड़ा डैमेज देते हम भी यहाँ से। और जैसे ही इसका एचपी कम होगा गाइस हम इसको पकड़ लेंगे। यार अपना डियर का पावर देखो भाई, बट एक सेकेंड इसका भी बहुत ज़्यादा पावर है भाई, इसका बहुत ज़्यादा पावर है। पीछे से थोड़ा डैमेज देते और बहुत सही, और थोड़ा सा डैमेज और परफेक्ट। और भाई साहब ये हमको देख लिया भाई, ये कभी हमको देख रहा है कभी उसको देख रहा है। और देखा जाए तो भाई इसके पास विंड वाला पावर है। बस 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 बस, और थोड़ा सा डैमेज देना, हम इसको पकड़ लेंगे, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। और इसी के साथ ये बस कैप्चर हो जाए भाई तो मज़ा आ जाएगा। नाइट विंग का डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो भाई क्या लगता है। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने कैप्चर कर लिया नाइट विंग को बहुत स्मूथली। और सामने देखो भाई वो रहा वो रेयर वाला पैल, तो उसको भी पकड़ लेंगे भाई। आज का दिन क्या ही अच्छा जा रहा है, तो चलो इसको कंटिन्यू करते। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हुई तो लाइक कर देना। बाकी इसका लेवल यार 11 है और फाइनली गाइज हम लोग इसका बेस पे इंटर हो चुके। तो यार यहाँ पे इसका राज है, तो गाइज मुझे नहीं लगता इससे फाइट लेना चाहिए, तो चलो ट्राई करते हैं। पहले अपना हेल्थ को फुल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ्राई मोमोज तो नहीं है, क्या है भाई, बैरी था। और यहाँ पे चलो हमारे पास मशरूम है, हमने खा लिया और इसको खिला देते भाई डियर, अपना डियर। यार पूरा हेल्थ इसका डाउन हो चुका है, तो चलो कोई बात नहीं डियर को खिलाते। चलो गाइज इसका हेल्थ भी मैंने फुल करा दिया और अभी जाएगा लड़ने के लिए टॉम। चलो देखते हैं टॉम क्या करता है, मुझे लगता है कि टॉम इसको अकेले मार देगा। तो टॉम को भी मैंने खिला दिया, अब टॉम को बुलाने का वक्त आ चुका है गाइज। और इसी के साथ ये टॉम को मैंने भेज दिया और इसको डैमेज भी दे दिया, अब मजा आएगा भाई। चलो देखते टॉम मार भाई, और यहाँ पे फाइट शुरू हो चुका है। टॉम ने गोला छोड़ दिया भाई, मारो उसको, क्या कर रहे हो भाई। ओ भाई ओ भाई, ये मुझे मार देगा, थोड़ा मुझे पीछे रहना पड़ेगा। और यहाँ देखो भाई क्या ही खतरनाक फाइट चल रहा है, हम तो पूरा इंजॉय करेंगे भाई। अपना पैल भाई साहब अपना पैल ज़्यादा ही मतलब गंदा मार रहा है, और ये भी भाई बहुत गंदा मार रहा है, तो इसको थोड़ा हम डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर इसका ध्यान मेरे पे आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, पीछे से इसको बजाएंगे। चलो गाइस इतना काफ़ी होगा, मुझे लगता है इसका लेवल थोड़ा तो डाउन हुआ होगा। भाई ये क्या सीन है, मुझे क्यों मार रहा है ये यार, इसका एच पी हमको समझ नहीं आ रहा। अपना मरने वाला भाई, मैंने इसे बुला लिया, अरे वापस आ, तेरा एच पी ज़्यादा नहीं है भाई। यार ये मुझे मार देगा भाई, छोड़ दे, मेरे से गलती हो गया, हमको भागने दे पहले। रुक जा, दूसरा पैल को बुलाएंगे भाई। बहुत गंदा डैमेज दे रहा है यार, बहुत गंदे डैमेज दे रहा है। मर गए, वापस भागना होगा। और थोड़ा सा कवर लेते भाई, क्या ही गंदा फाइट हो गया, थोड़ा अपना एच पी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चलो गाइज यहाँ पे थोड़ा अपना हेल्थ बढ़ा लेते, सच में भाई बहुत गंदा फाइट हो गया। वो शायद मेरे को फॉलो कर रहा। ओ भाई दिया मेरे को, गंदा दिया यार, क्या ही गंदा पिटा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने नाइट विंग को पकड़ लिया और इससे लड़ने के लिए मुझे लगता है कि नाइट विंग को ही लेके आना चाहिए था। चलो गाइस कोई बात नहीं, वापस से आएंगे, अभी चलते अपना बेस और आके रिवेंज लेंगे भाई आके। यहाँ पे ये क्या हो रहा भाई, यहाँ पे ये रीस्टार्ट ले रहा है क्या, मर गया क्या भाई। ओ भाई सब जिंदा है ना, चलो सही है, रुको मुझे लगता है कि इसको थोड़ा हार्ट अटैक आया होगा। चलो ये ठीक है, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, और इसको थ्रो करते। चलो ये ठीक हो गया,
तो चलो गाइज, अब वक्त आ चुका है कि वापस से उसी जगह पे जाने का और अपना सामान को लेके आने का। यार उसको मार के आएंगे इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट चलते। और इस बार तो भाई हमें यहाँ से टेलीपोर्ट होना है डायरेक्ट वहाँ पे। यार ज़्यादा दूर नहीं है, चलो कोई नहीं, फटाफट चलेंगे। तो ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग को ऊपर चलना है। और सच बोला जाए तो भाई इसको आज हम पकड़ के लेके चलेंगे। तो चलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ऊपर और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, जल्दी से उस लोकेशन पे पहुँचते और उसको मारने का प्लानिंग करते। अपना सारा सामान उसी का लोकेशन पे गिरा हुआ है और इलाका उसका है भाई, वहाँ पे वो अपना दादा है, तो उसको मारना थोड़ा मुश्किल होगा। बट हमारे पास भी टॉम है और भी बहुत सारा पैल है, डियर से भी हमें उम्मीद है कि वो मार देगा। चलो देखते हैं क्या होगा, और अगर हम ही मर जाएंगे तो बात अलग है, और अगर मरने वाले होंगे तो इस बार तो भागेंगे भाई बहुत स्पीड। अगला बार भाग नहीं पाए बट इस बार भाग जाएंगे। चलो कोई ना, हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे और यही था वो लोकेशन। यार सामने ही घूम रहा है क्या, वो कहाँ चला गया? वो रहा भाई, अपना बेस पे ही घूम रहा है, इसका अपना बेस है भाई और यहाँ पे ये राज करता है। मुझे लगा था हम लोग इसको मार देंगे बट भाई इसको मारना इतना आसान नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसको कैसे पकड़े। चलो भाई हम लोग फाइनली पहुँचने वाले अपने डेड बॉडी के पास और फटाफट हम लोग पिक करेंगे जो जो सामान है और उसके बाद आके इसको बताते हैं। यार एक तो अपना बंदा का जो एनर्जी है ना वो अलग लूज हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं फाइनली। और यार अपना जो पैल मैंने पकड़ा था वो तो वहीं रह गया, बेस पे ही रह गया भाई, क्या सीन है। चलो कोई ना, जो नया पैल मैंने पकड़ा था, हमारे पास स्पेस नहीं था वरना अपना बैग में आता, बट चलो कोई बात नहीं, वो बेस पे चला गया है। तो कोई बात नहीं गाइज, अपने पास जितना पैल होगा उसी से फाइट करेंगे और जीत हार तो होते रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अपना देखते हैं सभी पैल जिंदा है या मर गया। सबसे पहले इसको बुलाते हैं टॉम बैट को, और टॉम बैट का एनर्जी फुल है। वापस आ जा भाई, और वापस आ जा, वापस आ जा, अभी लड़ने नहीं जाना, वापस आ। और चलो गाइस, कहाँ गया वो शिकार? अच्छा मेरा सबसे पहले भाई हाथ में गन पकड़ लेते या फिर क्रॉसबो, ये रहा अपना क्रॉसबो और ये वाला भी पकड़ लेते। चलो गाइस इतना काफ़ी होगा। और अब कहाँ चला गया भाई, जब फाइट करने आए तो ये भाग गया। अभी भाई मैंने इसको यहाँ देखा था, यार अभी मैंने इसको यहाँ पे देखा और अपना कपड़ा लाने गए थे, वो रहा भाई नीचे चला गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे चेस्ट मिला मुझे और फटाफट पिक करते। चलो मिल गया मुझे, ब्रेड मिला। सामने देखो भाई सामने, रुको इसको यहीं से मारते भाई, पहुंचेगा तो नहीं वहां तक मुझे लग रहा है, एक बार ट्राई करते। और ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही दूर हो गया, इस बार सही से लग जाए बस। और यार ये परफेक्ट लगा है यार, वो समझ नहीं पाया कि कहां से उसको पड़ रहा है, और इस बार भी नहीं लगा, अलर्ट हो गया भाई, वो अलर्ट हो चुका है। यार उसको समझ नहीं आ रहा भाई कि इसको पड़ कहाँ से रहा है, और अब लगा भाई इसका पिछवाड़े पे लगा है, फिर से वो अलर्ट हो गया है। और देखा जाए तो इस बार भी लगेगा, अब वो समझ गया भाई कि हम मार रहे हैं। अब वो आ रहा भाई, दौड़ के आ रहा मेरे को मारने, हम रेडी रहते। और चलो इस बार तो अपना एनर्जी फुल है ना, चेक कर लेते भाई, मौत को मैंने बुलाया है तो अब तो लड़ना पड़ेगा। चलो गाइस हम लोग तैयार है और वो आता ही होगा। यार वो आ गया भाई, वो आ गया, आ गया, आ गया। और जा भाई मार, जो भी है मार उसको, मार 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 मार। और भाई साहब इससे लड़ना मतलब कि भाई ये मैंने गलत किया कि इसको भी बुला लिया। हिरन को कौन बुलाया भाई, हिरन को तो मैंने बुलाया ही नहीं था, ये बेकार आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि दोनों को मारना पड़ेगा या फिर एक को। यहाँ पे मैंने इसको भेज दिया और चलो भाई यहाँ से थोड़ा डैमेज देते। कहाँ गया भाई अपना क्रॉसबो? यार अपना क्रॉसबो भी नहीं मिल रहा है। एक सेकेंड, मारना मत, मारना मत। और जा भाई मार, रुक जा भाई, अपना क्रॉसबो कहाँ गया? क्रॉसबो, क्रॉसबो, यार क्या सीन है, क्रॉसबो खत्म हो गया क्या? एमो, यार अपना एमो खत्म हो गया शायद। और ये हिरन भाई अलग पीछे पड़ा हुआ है, और वो भाई सब लगा लगा लगा, मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बचेंगे। अब वापस आ जा, वापस आ जा, और किसी और को भेजना पड़ेगा, पेंगुइन, पेंगुइन को भेजेंगे गाइस। अरे हाँ सही है, सही है, पेंगुइन को मैंने भेज दिया। और यहाँ से मारते इसको, कहाँ गया वो? ये रहा, ये भाई साहब लग रहा है इसको डैमेज। चलो भाई एक तो मरा, और देखा जाए तो ये मुझे देख रहा भाई, ये मुझे लपेट लेगा भाई, ये क्या हो गया? अब हम गए, अब नहीं बचेंगे भाई, अब नहीं बचेंगे, मुझे लगा ही था कि अब हम नहीं बचने वाले। चलो कोई बात नहीं यार, इसको पकड़ना मेरा बस के बाहर है, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि यार मैंने दो ट्राई कर लिया, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम लोग पकड़ पाएंगे, थोड़ा से और हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा। चलो वापस से हम आ चुके हैं बेस पे और रात भी हो चुका है, तो पहले चलते सोने के लिए, कल एक बार और चलेंगे फाइट लेने। तो चलो गाइस फटाफट सो जाते हैं। और आज की वीडियो में भाई दो रीटेक ले लिए, आखिरी बार में बस वो पकड़ ले तो अच्छी बात है। तो चलो गाइस सुबह हो चुका है, एक और नया दिन, एक और नई सुबह, और अपना सारा कपड़ा सारा सामान उसी के बेस पे गिरा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं,
यहाँ से पैल को चेंज करते हैं, और मुझे लगता है कि लेवल 8 का हमारे पास पैंग, इसको हटाते हैं भाई और अपना जो नाइट विंग है उसको लेके चलते हैं। ये भैया सही है। तो चलो गाइस हम लोग बिल्कुल ही तैयार है। अब मैंने पैल को भी चेंज कर दिया, अब बस टेलीपोर्ट होना है, तो फटाफट टेलीपोर्ट होते हैं। तो चलो गाइस ये रहा वो लोकेशन, तो यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं। ये हमारा आखिरी कोशिश होगा इस वीडियो का। अगर वो नहीं पकड़ पाते इसको हम, तो भैया समझ जाएंगे कि हम पे उतना ताकत नहीं है उससे लड़ने का। तो चलो कोई बात नहीं, वापस से हम लोग आ चुके हैं गाइस, और वापस से चलेंगे उसी जगह पे। फटाफट वीडियो को स्किप करते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं। इस बार देखो हमारे पास नाइट विंग है, तो चांसेस है कि हम लोग इसको मार देंगे। और हमारे पास क्रॉसबो भी है यार, क्रॉसबो से कुछ होगा भी नहीं। उसका यार लेवल 11 है, बट यार उसको डैमेज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं उसके लोकेशन पे, और वो रहा अपना पेटी और वो रहा अपना शिकार। इस बार तो भैया उसको पकड़ के ले जाएंगे, आखिरी कोशिश है मेरा। और वो अंडा दे रहा है क्या भाई, देख के लग रहा है कि उसने अभी अंडा दिया जस्ट। चलो कोई बात नहीं, चलेंगे देखेंगे। पहले यहाँ से अपना सामान लेते और थोड़ा सा आगे होते ना भाई, तो अभी हम नीचे गिर जाते। चलो वो तो तुम्हारे भाई ने पैर रख दिया, और देखा जाए तो चलो सब कुछ हो चुका है। हमारे पास 8 है मतलब पहले स्पेयर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और फटाफट कपड़ा पहनते और हाथ में सामान भी ले लेते, ये सामान पकड़ लेते। क्रॉसबो के साथ एमओ हमारे पास 5 है, बहुत ज़्यादा है, चल जाएगा काम। और अपना टॉर्च, बेसबॉल बैट सब रख लेते हैं भाई, इस बार गलती नहीं करना है। तो चलो गाइस कपड़ा मैंने नहीं पहना, बस बाकी सब कुछ रख लिया। और वो कहाँ गया, अभी तो यहाँ था भाई। कितना स्पीड भागता है भाई ये, कितना स्पीड। चलो इसको थोड़ा सा मार के बुलाते और थोड़ा आगे चलते भाई, थोड़ा आगे। और यहाँ पे इसको लगा भाई, लगा लगा लगा, और जा भाई मार, देखते हैं नाइट विंग क्या करता है भाई। नाइट विंग बचा लेना मेरा इज्जत यार, ये क्यों वेस्ट हो रहा है। और इस बार लगा लगा भाई, बहुत गंदा डैमेज दिया मैंने, और इस बार बच के रहना होगा इससे। मार भाई मार, इसको मार, कैसे भी मार बट मार। और अपना एमो खत्म हो गया क्या यार, मैं क्यों इसके आगे आ जाता हूँ, मुझे कवर में खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ सही है, हाँ भाई साहब बहुत ही सही जगह पे हम छुपे, और यहाँ से इसको मारेंगे भी भाई। एमो खत्म हो गया क्या, ये लोग का फाइट गाइस कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहा है। और अपना घायल हो चुका है भाई पैल, तो दूसरा पैल को बुलाते, ये फॉक्स को भेज दे, जा भाई फॉक्स मार, तू तो भाई कुछ कर भी नहीं पाएगा उसके सामने। इसको मारना भाई बहुत मुश्किल होते जा रहा है, और बस हमें कवर में रहना पड़ेगा भाई, हमें नहीं मरना। और वापस फॉक्स को बुलाते, वापस आ जा। इस बार बुलाते हिरन को भाई, हिरन 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 कहाँ बुलाते। चलो यार मैंने हिरन को बुला दिया है, और अब यार हिरन गंदा मार रहा है, इसका हेल्थ मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। तो जैसा कि गाइस बहुत गंदा फाइट चल रहा है दोनों के बीच, और मुझे लगता है कि इसका हेल्थ अभी तक लो नहीं हुआ है, अभी भी आधा बचा हुआ भाई, आधा बचा हुआ है। और हिरन अपना बहुत अच्छा खेल रहा भाई, बहुत अच्छा। जा भाई मार, चलो देखते क्या होता है। और मेरा बंदा को ये क्या हो गया, चलो ठीक है मेरा बंदा, मारो भाई बस उसको मारो। और बहुत गंदा फाइट चल रहा, वापस आ जा। बचा लिया मैंने उसको, हिरन को अपना बचा लिया। मार हिरन भाई मार, उसको पकड़ के ला भाई, बस पकड़ के ला। ये क्या किया, नीचे फेंक दिया, वापस आ। यहाँ पे क्या लिखा रहा भाई, मैंने उसे मार दिया क्या, देखा जाए तो लगता वो मर गया। चलो कोई बात नहीं, मर गया बहुत अच्छा होगा भाई। चलो भाई ये ऊपर से गिर के मर गया, मुझे तो उसे पकड़ना था यार, बट ये क्या सीन हो गया, वो तो मर गया। चलो कोई बात नहीं, मार के बदला लिया ना, बस वही बहुत बड़ा बात है। और 3 रीटेक लिया भाई, और क्या चाहिए। देखा जाए तो हम लोगों ने 3 रीटेक लिया, और फाइनली जाके अपना चारों पैन ले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। भैया को ऊपर से नीचे फेंका है यार, देखो क्या हालत हो गया उसका, मर चुका है। बट मुझे यार उसे पेट बनाना था। चलो यार अपना किस्मत में वो शुरू से नहीं था, वरना यार वो पहले राउंड में मैंने उसे पकड़ लेना था। बट चलो होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिल पे लगा मेरे को, मेहनत किया इतना ज़्यादा। 3-3 बार हम लोग आए और हमें कुछ खास मिला नहीं। चलो कोई ना, यहाँ से जंप करते, और यहाँ पे कोई नया पैल नहीं, तो भाई नया पैल तो कुछ नहीं दिख रहा है। बट ये वाला माउंटेन देखो भाई, ये कितना प्यारा लग रहा है। पहली बार हम लोग ऐसा जगह पे आ रहे हैं, और हम लोग बेस से बहुत ज़्यादा दूर है भाई, लिटरली बेस से बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पे देखो टेलीपोर्ट वाला दिख रहा है, और मुझे लगता है कि हमें नीचे ही चलना चाहिए। तो चलो यार फटाफट चलते नीचे, और यहाँ से जंप करेंगे तो भाई मर ना जाए बस। चलो यहाँ से मैंने जंप किया, और यहाँ पे चलो भाई सही है, क्राउच हो गया, और हम लोग फाइनली आ चुके हैं नीचे। अगर हम लोग रात भर रुकते हैं तो यहाँ पे भाई एक से एक पैल आता है। तो चलो गाइस यहाँ से रास्ता मिल रहा है, फटाफट चलते। और अपना कहाँ गया वो टेलीपोर्ट वाला, मैंने ऊपर से देखा था भाई, वो और आगे। हम लोग यार इस साइड आ चुके हैं। चलो कोई नहीं यार, कोई नया पैल मिल जाता तो मज़ा आता। मेरा मन कर रहा है कि एक और हिरन को हम लोग ले लें,
और सामने देखो आप लोग को नाइट विंग दिख रहा होगा एक और। तो चलो यार एक और अपना जो ये डियर है, हिरन नहीं मतलब डियर समझ लो, ऐसे तो इसका नाम है इकियारा डियर बट जो भी हो गाइज इसको पकड़ लेते। और चलो गाइज इसको पकड़ने के लिए हम भेजेंगे डियर को, जा डियर मार। चलो दोनों डियर के बीच अब फाइट होगा, देखते कौन जीतता। अरे मारो भाई मारो, मारना है। रुक रुक रुक, इसको ऐसे मार, मार अब मार अब मार। यार ये मेरे को मारेगा, उससे पहले तू मार। बहुत अच्छा मारा भाई, देखा जाए तो अपना डियर का बैंड बच चुका है। चलो कोई बात नहीं, और अब जा भाई तू मार, देखते हैं भाई ये क्या करता है। भाई ये भैया बहुत लंबा रन अप लेता है। और चलो चलो बहुत सही, और मारो और मारो। भाई मेरे को क्यों मार रहा, पागल है क्या डियर। और थोड़ा सा बस काफ़ी होगा, वापस आ जा और इसको कैप्चर करना है बस। देखा जाए तो बस कैप्चर हो जाए भाई, कम से कम दो पैल तो लेके जाएंगे। अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा, इसको मुक्का मारना होगा गाइस, मुझे नहीं लगता मुक्का लगेगा। अरे भाई साहब क्या ही गंदा मैंने पकड़ा है इसको यार, बस कैप्चर हो जाए मुझे लग। अरे भैया इसको क्या चाहिए, रुक जा रुक जा रुक जा। और देखा जाए तो इतना काफ़ी होगा, इसको फेंकते और लग जा भाई, कैप्चर तो हो जा। यार क्या सीन है, ये छूटेगा लग रहा है भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है। और ये मारा 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 मेरे को मारा, एक मुक्का बस 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 बस, कैप्चर करना है तेरे को। और कैप्चर हो कैप्चर हो, यार इस बार कैप्चर नहीं होगा तो हम भाग जाएंगे भाई, अपना हेल्थ बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे फाइनली भाई हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, भाई साहब कितना ज़्यादा मेहनत लगा बट चलो गाइज हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, अपना हेल्थ भी डाउन हो चुका है। और अब हम लोगों के पास दो डियर है और दोनों यार बहुत काम का है, तो रॉ मीट पहले खा लेते हैं और थोड़ा सा ये लोग को भी खिला देते हैं। चलो गाइस सारा काम हो चुका है, और टेलीपोर्ट वाला कहाँ गया वो देखना होगा, चल के अपना बेस को अपग्रेड करते। तो चलो गाइस एक रास्ता यहाँ भी जाता है, फटाफट चल के देखते। एक सेकेंड यहाँ पे ये क्या भाई, अच्छा हमको लगा भाई ये क्या हो गया, पागल है क्या भाई। ओ भाई साहब ये लोग क्यों मार रहा है मेरे को, मतलब कि क्या दुश्मनी है, कुछ समझ नहीं आता भाई। हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो बस वहाँ जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, जब आए नया जगह पे तो हम थोड़ा सा विजिट कर लेते क्या है यहाँ पे। और अपना हेल्थ भी डाउन हो गया यार, वो बंदर ने मेरा हेल्थ को डाउन कर दिया, अपने पास खाने को कुछ है ही नहीं, ये क्या सीन हो गया। बट एक सेकेंड यहाँ पे ये क्या है यार, मुझे लगता है कि अच्छा अच्छा हाँ भाई साहब सामने देखो बंदर और इसका फाइट चल रहा था, उसी बीच हम आ गए इसलिए ऐसा सीन हुआ। और ये वाला कौन सा पहले यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई नया पहले। बट चलो खाने को मेरे को बैरी यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, तो फटाफट पिक करते। और कोई नया पैल अगर आप लोग को दिख रहा है तो, अरे अरे एक सेकंड भाई एक सेकंड आगे देखो भाई, दो दो नया पैल यही सेम जो यहाँ पे मरा पड़ा है, तो चल के उसको पकड़ते। बट ये बंदर अब हम मेरे से मार खाएगा भाई, ये बंदर अब मेरे से मार खाने वाला काम कर रहा है। और यहाँ पे एक नहीं दो दो बंदर है, तो इससे हम फाइट नहीं लेंगे, यहाँ पे चलते अंदर। ओ भाई साहब रुक जा जाने दे मेरे को जाने दे पहले, वहाँ पे सामने मेरा शिकार है। और भाई मेरा बंदा अलग थक जा रहा है, ये बंदर लोग अलग मेरे को खा रहा है। और लगा लगा भाई एक साथ दोनों को मार दिया मैंने, यहाँ पे ये गलत हो गया। और इस बार तो ये लोग छोड़ेगा नहीं मेरे को, चलो आ जाओ अंदर आओ। ओ भाई सब वो सब लगा भाई लगा, बहुत गंदा लगा। अब मेरा देखते वो क्या करता, टॉम बैट मारना भाई, टॉम बैट मेरे को मार नहीं आ रहा भाई, बचा यार ये क्या कर रहा है पता नहीं। और मुझे लगता है थोड़ा सा अपना खुद से सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा। ओ रुक जा लगा 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 लगा, इसका हेल्थ काफ़ी होगा, वापस आ जा। अबे वापस आ भाई वापस आ, चलो चलो सही है। चलो गाइस उसका हेल्थ कम हो गया, आप पकड़ सकते। अरे बंदर का बच्चा मार दिया भाई, बंदर लोग तो भाई अलग ही परेशान किए हुए भाई, ये लोग क्यों आता है। रुक जा भाई तेरे को मारने के लिए, अरे मार दिया भाई। चलो गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम लोग तीन बार मर चुके हैं और मेरा हिम्मत नहीं कर रहा भाई कि आके इन लोग से फाइट ले। एक बंदर ने बैंड बजा दिया मेरा, मतलब कि भाई वो लोग को हम कुछ किए भी नहीं और वो लोग भाई आके भैया पूरा ख़राब कर दिया सीन। तो ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पे, और चलो गाइस आज की वीडियो पे हम लोगों ने मात्र बस नाइट विंग को पकड़ा, और बेस को भी आज की वीडियो पे हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भाई साहब वो जो लेवल 13 का था आप लोग को दिखाते यहाँ पर जो था, इसको हम लोग पैल बना ही नहीं पाए, बस वो मर गया। अगर वो नीचे नहीं गिरता गाइस तो अपने पास होता, वो तो हम श्योर थे। चलो कोई बात नहीं, और वक्त आ चुका है गाइस कि आप लोग को पैल दिखाने का। तो चलो ये रहा अपना बेस, और यहाँ पे ये नाइट विंग को बेस पे डालते। तो चलो गाइस आ गया अपना नाइट विंग, और इस पर हम लोग सवारी करके चल सकते हैं क्या, देखा जाए तो इसको पहले उठाते। और ये भाई साहब अपना आ चुका है हाथ पे, कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो चलो गाइस ये ना होता तो हम लोग फाइट भी नहीं कर पाते, वो तो सेकेंड बार में ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया, इसको फेंकते।
जाओ भाई अपना काम करो। और चलो गाइस अब वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे गाइस फिर एक और न्यू वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग उसी पे बैठेंगे, वो जो अपना नाइट वेंगे और उस पे बैठ के पूरा अच्छा से विजिट करेंगे पूरा आइलैंड को। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।